हेलो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक वो आपको बताने जा रहा हूं। और ये ट्रिक 95% वर्क करती है, यानी इसमें जो वैल्यू आएगी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी और 90% से लेकर 99% तक उसकी एक्यूरेसी होगी। जैसे कुछ नंबर लिखे मैंने, देखो रूट 10 की वैल्यू, ये वैल्यू लिखी मैंने कैलकुलेटर से 3.1622, 5.099 उसका आगे वैल्यू होती है, रूट 3 की 1.7320 उसका आगे भी काफी लंबी वैल्यू उसकी होती है, मगर ये वैल्यू उसकी है कैलकुलेटर से, ठीक है। मगर यही वैल्यू तुम्हें अगर निकालनी पड़े बिना कैलकुलेटर के डायरेक्ट किसी फॉर्मूले से, तो कैसे निकालोगे, तो उसकी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप क्या करना है, जैसे आपको निकालनी वैल्यू रूट 10 के, निकालनी आपको, आपको क्या करना है, 10 के आसपास यानी 10 से ठीक पहले जो परफेक्ट नंबर है उसका स्क्वायर रूट, जैसे 9 होता है इसे ठीक पहले परफेक्ट नंबर, तो आप क्या करना, 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी 3 से वैल्यू इसकी ज्यादा आने वाली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें रूट 9 प्लस 10 और 9 का जो डिफरेंस है वो आपको यहां लेना है, ठीक है, 10 माइनस 9, और नीचे क्या करना है आपको, 2 इंटू रूट 9, ये ठीक है। तो 9 का क्या हुआ, 3 प्लस यहां पर 1 और 3 टू जा 6, तो वैल्यू मिली आपकी 3 प्लस 1 को 6 से डिवाइड करो तो 0.1 6 6 40 6 36, ओके उसके आगे वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है, 40 6 36, ऐसी वैल्यू चलती रहेगी इसकी 3.16, यानी ये वैल्यू कैलकुलेटर के साथ है ना काफी मैच कर रही है, यानी 99% एक्यूरेसी है, उसके आगे एक्यूरेसी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी इसकी। इसी तरीके से हम निकालेंगे रूट 26 की वैल्यू, देखो थोड़ा और जल्दी निकलेगी वैल्यू इसकी, रूट 26 से पहले नंबर क्या होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 25 है, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो आप 5 यहां लिख लो, प्लस 26 और 25 का डिफरेंस क्या होता है, 1, तो 1 यहां लिख लोगे और डिवाइड बाय 2 इंटू यहां जो भी नंबर है, यानी 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक, तो 5 प्लस 1 अपॉन 10 वैल्यू मिली 5.1, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 5.099, उसके आगे भी काफी वैल्यू है, यानी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5.1 ही है, तो इसमें भी आपकी जो एक्यूरेसी है वो 98% के आसपास है, ठीक है। अब देखो रूट 3 देखते हैं इस तरह से, रूट 3 रूट 3 के बाद आता है 4, यानी 3 के बाद 4 आता है, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 4 का रूट होता है 2, ठीक। तो आप क्या करना है, इसमें यहां 2 लिखोगे, अब जैसे देखो आप ध्यान रखना है यहां प्लस किया, क्योंकि जो 4 नंबर है वो 3 के बाद है बड़ा इससे, तो यहां माइनस करोगे 2 माइनस, फिर वही सिस्टम रहेगा, 3 और 4 का डिफरेंस 1, नीचे 2 इंटू 4 का स्क्वायर रूट, यानी ये वाला नंबर यहां मिलेगा आपको, ठीक। तो 2 माइनस 1 अपॉन 4, तो 2 माइनस 1 को 4 से डिवाइड करो 0.25, तो मिलेगा 1.75, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू है 1.7320 और आगे वैल्यू होगी इसकी। इसमें थोड़ा एक्यूरेसी कम है, यानी नंबर इसमें थोड़ा ज्यादा छोटा होगा, नंबर जैसे रूट 2 है ना, तो उसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम आएगी, नंबर जैसे बढ़ता जाएगा एक्यूरेसी का लेवल इसमें बढ़ता चला जाता है, ठीक है। आपको कहीं भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप ओरली इनके वैल्यूज निकाल सकते हो और आप टाइम सेविंग कर सकते हो, कैलकुलेटर से पहले निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो और आएगी, उसमें आपको परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट निकाल के बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।